तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला की रहमत और बरकतों से होंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं शुरू, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर को नीचे से ऊपर लेकर जा सकते हो, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हासिल कर सकते हो। इस वीडियो को आप इंशाल्लाह देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे, मैं कहता हूँ कि आपके चैनल पर सब्सक्राइबर आ जाएंगे। अब आप ये कह रहे होंगे कि यार आपके चैनल पर तो थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, तो आप हमें कैसे सब्सक्राइबर देंगे? और भैया एक मिनट रुको, पहले वीडियो को समझो कि मैं आप लोगों से क्या कहने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने जस्ट सबसे पहले काम ये करना है कि अपने जो YouTube का चैनल का टॉपिक्स है ना, इस टॉपिक्स को आपने कवर करना है, इसी टॉपिक्स पर ही आपने रहना है, इस टॉपिक्स पर ही आपने अपनी वीडियोस बनानी है और बनाते जाएं। अगर आप अपने टॉपिक्स से हटकर किसी और टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं तो आपके जो व्यूवर्स होते हैं ना वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। वो व्यूवर्स यही सोचते हैं कि भैया अगले दिन तो इसने फलां वीडियो मतलब अपलोड की थी, जिस बंदे को अगले किसी और एंड अदर टॉपिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है उसने आपकी वीडियोस खाक देखनी है। एंड इसके अलावा सब्सक्राइबर बढ़ाने की जो टिप्स है ना मैं आपको देता हूँ, बिल्कुल रियलिटी में आप सब्सक्राइबर यूट्यूब के हासिल कर सकते हैं। तो जो दूसरी टिप्स है ना वो ये है कि आपने जो छोटे यूट्यूबर हैं ना उनको कर देना है सब्सक्राइब, उनके चैनल को सब फॉर सब नहीं करना, उनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक हो गया, उनके चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि जो उनका चैनल होता है ना वो नीचे से ऊपर जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है? नीचे से ऊपर जा रहा होता है। एंड दी लाइफ में अगर उनकी कोई भी वीडियो वायरल होती है तो क्या होगा, सबसे पहले आपका जो कमेंट किया होगा ना वो सबसे ऊपर जाएगा। ठीक हो गया, इन दी लाइफ में, क्योंकि यूट्यूब की हर वीडियो, कोई वीडियो भी ऐसी नहीं जो लो ही पड़ी रहती है, एक ना एक दिन वीडियो ने वायरल ज़रूर होना है, चाहे वो एक मंथ में हो जाए चाहे वो वीडियो दो मंथ में हो जाए, वीडियो ने वायरल तो होना ज़रूर होता है, थोड़ा सा वेट होता है। यूट्यूबिंग की लाइफ में होता ही वेट है यार, मैंने जो सीखा है यूट्यूबिंग की लाइफ में होता ही वेट है। यूट्यूब अगर एनीवन कोई भी खुशकिस्मती बंदा होगा जिसकी यूट्यूब की जो वीडियोस है ना जो एक दिन में ही एक मंथ में ही वायरल हो जाएंगी, नहीं तो यूट्यूबिंग लाइफ में है ही वेट। तो आपने जो न्यू यूट्यूबर होते हैं ना उनकी वीडियोस पर कर देना कमेंट्स अच्छा सा, तो उनकी जब वीडियोज वायरल में आएंगी ना, सर्चिंग में आएंगी, तो सबसे टॉप पर आपका कमेंट होगा। तो इसका चांस तो ये है कि वो जो बंदा है ना जिसकी वीडियो पर आपने कमेंट किया है, न्यू बंदा है, तो उसने आपके चैनल को लाइक, आपने आपके कमेंट्स को उस बंदे ने लाइक भी करना है, उसके आपके कमेंट्स का उस न्यू यूट्यूबर ने जवाब भी ज़रूर देना है क्योंकि वो न्यू यूट्यूबर होता है। और अगर कोई दूसरा बंदा आता है उसकी वीडियो पर तो उसने कमेंट्स देखा उसने आपका कमेंट्स देखना होता है। उर्दू थोड़ा सा वीक है, बिलावल भुट्टो का मेरे ख्याल थोड़ा सा तकरीर सुनने का असर पड़ गया है, तो आई होप कि ठीक हो जाएगा ये भी। तो उस बंदे ने जब आपका कमेंट्स देखना है अपने यूट्यूब चैनल की, सॉरी तीसरे बंदे ने जब उस छोटे यूट्यूबर पर आपका कमेंट्स देखना है तो आपके कमेंट्स को भी उसने ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि जो चैनल का ऑनर होता है ना उसने भी आपको आपके कमेंट्स का जवाब दिया होता है। तो इस वजह से दूसरा जो बंदा होता है ना वो ऊपर से जो आता है उसकी जो वीडियोज़ होती हैं ना, मतलब जो वो चैनल का मालिक होता है, तो वो बंदा भी आपके चैनल पर आ जाएगा। बात करने का साफ साफ मतलब ये है कि फ़र्ज़ किया अगर आप छोटे यूट्यूबर की वीडियो पर कमेंट्स करते हैं तो वो जो छोटा यूट्यूबर होता है ना तो उसकी जो वीडियोस होती हैं उन वीडियोस ने भी एक ना एक दिन रैंक होना होता है, तो आपका जो कमेंट्स होता है जो फर्स्ट कमेंट होता है तो उस कमेंट्स ने भी जहर वाली बात है रैंक होना होता है। एंड जब आप उस छोटे यूट्यूबर की वीडियोस रैंक होगी जिसकी वीडियोस पर आपने कमेंट्स किया होगा तो जहर वाली बात है साथ साथ में उस आपका कमेंट्स भी रैंक होगा। ठीक है, ये यूट्यूब का एल्गोरिथम मैं आपको बता रहा हूँ, तो भैया समझ लो इस बात को। तो आपका जो कमेंट्स भी रैंक होगा तो जहर वाली बात है जब उस बंदे की वीडियोज रैंक होंगी तो साथ साथ में ऑडियंस भी उस बंदे की दूसरे बंदे की वीडियोस पर ऑडियंस ज़्यादा आएगी, तो आपका कमेंट्स भी साथ में लटक कर जा रहा होगा उसकी वीडियोस के साथ साथ। जब ही बंदे आते जाएंगे उसकी वीडियोस पर तो वो बंदे आपकी कमेंट्स को तकरीबन 100 में से 50 बंदा तो ज़रूरी मैं कहता हूँ आपकी वीडियोस पर लाइक करेगा, आपके कमेंट्स पर लाइक करेगा। और कुछ बंदे तो ऐसे होंगे आपके चैनल पर भी आ जाएंगे, आपके चैनल पर कमेंट्स करेंगे, आपके चैनल को
सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो ये है यूनिक, मैं कहता हूँ अपने चैनल को ग्रो करने का तरीका। मैं कहता हूँ आप अगर आप ये काम करते हैं तो थोड़े से ही दिनों में आप अपने चैनल को ग्रो कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था कि हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो कहना ये था कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो अल्लाह हाफिज़।